लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उत्तरी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे हैं। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहाँ पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसी ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे चलता रहा कार्रवाई तो एक साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। Thank you.